विशेषण। हिंदी व्याकरण में हम आज विशेषण सीखेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, रंग, रूप, संख्या या माप बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं तो जैसे कि सुंदर, तो ये विशेषण हुआ, पर फुल ये विशेष्य है। विशेषण के चार भेद है, चार प्रकार है उसके, कि पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण के ये चार प्रकार है। अब सभी प्रकार को हम उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, दोष, रंग, रूप का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं तो पहला है कि उसका बेटा बहादुर सैनिक है। अब इसमें बेटा और सैनिक, सैनिक ये संज्ञा हुई, पर कैसा सैनिक? बहादुर, यानी कि विशेषता का बोध कराता है। तो ये जो बहादुर शब्द है वह विशेष गुण का बोध कराता है, तो यह हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा कि काली बिल्ली को भगा दो। अब इसमें बिल्ली यह तो संज्ञा हुई, पर कैसी बिल्ली? काली बिल्ली, और वह बिल्ली का गुण का बोध कराता है कि बिल्ली कैसी है? काली। इसलिए काली जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण हुआ। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है नागपुर के मीठे संतरे बिक रहे हैं। अब संतरे तो है, पर कैसे? मीठे, यानी मीठा व संतरा का गुण है, तो मीठा जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण हुआ। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार है विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन वस्तुओं की गणना न की जा सके उनकी विशेषता बताने वाले अर्थात नापतोल, जैसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिसकी हम गिनती ही ना कर सके, अब उसमें भी परिमाणवाचक विशेषण में भी उसके दो प्रकार है कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक। अब इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हम देखें तो पहला है कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, और दूसरा है यह 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। अब इसमें रेखांकित शब्द है 1 लीटर और 2 किलोमीटर, यानी कि निश्चित परिमाण है कि दूध चाहिए, पर कितना? 1 लीटर, यह तो निश्चित है। दूसरा शब्द वाक्य है उसमें जो शब्द है कि 2 किलोमीटर, सड़क लंबी है, पर कितनी? 2 किलोमीटर, यह भी निश्चित है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें जो ऐसे शब्द होते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण हुए, पर उसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे। अब आगे देखते हैं अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण। इसमें उदाहरण देखते हैं तो मुझे थोड़ा शरबत पिलाइए, दूसरा वाक्य है थोड़ा चावल भिखारी को दे दो। अब इसमें थोड़ा शब्द जो है वह रेखांकित है,
यह अनिश्चित विशेषण है। इसमें हम नापतोल नहीं कर सके कि शरबत कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, पर कितना निश्चित नहीं है, यानी कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। और चावल भी भिखारी को दे दो, पर कितने चावल, 1 किलो 2 किलो, ऐसे कोई निश्चित नहीं नाप दिया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा चावल दे दो, तो यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। तो परिमाणवाचक में ऐसे शब्द आएंगे जिसके नापतोल, जैसे कि उसकी हम गणना न कर सके, तो वह होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। आगे हम तीसरा प्रकार देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। अब इसमें भी दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या का बोध होता है यह तो सही, पर निश्चित और अनिश्चित में। तो निश्चित संख्या का बोध होता है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। पहला है, हमारी कक्षा में 40 छात्र है। दूसरा वाक्य है, आजादी के 60 साल बीत गए। अब इसमें जो दो रेखांकित शब्द है 40 और 60, यह निश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि कक्षा में 40 छात्र है और आजादी के 60 साल बीत गए। तो निश्चित संख्या हमें इसमें मिल जाती है, तो यानी ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। और दूसरा जो है अनिश्चित, कि जो अनिश्चित संख्या का बोध होता है जिसमें, तो उसका उदाहरण हम देखें तो पहला उदाहरण हमने देखा है इसमें कि आज कक्षा में कुछ छात्र अनुपस्थित थे। और दूसरा वाक्य है, मेले में कई हाथी आए थे। अब इस दोनों वाक्य में रेखांकित शब्द जो है कुछ और कई। अब संख्या तो दी गई है पर कैसी, अनिश्चित है, निश्चित संख्या नहीं है। छात्र कक्षा में अनुपस्थित थे, पर कितने, 4 या 5, ऐसे निश्चित छात्र की संख्या नहीं दी गई, पर कुछ छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि जो निश्चित संख्या नहीं मिलती वह अनिश्चित संख्या। और मेले में हाथी आए थे, पर कितने हाथी, कई हाथी, पर निश्चित संख्या नहीं है। तो ऐसे जो शब्द है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे हम देखें तो संख्यावाचक विशेषण का तीसरा प्रकार है क्रमवाचक विशेषण। तो संज्ञा के क्रम का बोध होता है। उदाहरण हम देखें तो सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरा, परीक्षा में मुझे दूसरा क्रमांक मिला। तो जो संज्ञा के क्रम का बोध कराता हो, तो सुरेश वह संज्ञा है पर वो 7वीं कक्षा, उसका क्रम है 7वीं कक्षा, तो उसका उस संज्ञा का क्रम का बोध जो कराता हो वह क्रमवाचक विशेषण हुआ। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के प्रकार में हम आज प्रकार 3 तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के प्रकार देखेंगे।